where if you look up here again, what are basically angle in a straight line? Adjacent angle basically kya hota hai? Adjacent angle are nothing but adjacent angles are basically कि एक ही स्ट्रेट लाइन पे हमें पता है कि एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज हाउ मच. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री. लेकिन अगर हमारे पास यही एंगल्स ब्रेक होकर आए, मतलब लेट सपोज अगर यहाँ पर देखिए तुम्हारे पास एक डायग्राम में एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हमारे पास एक है एक एंगल ए और एक हमारे पास है एंगल बी. इफ आई एड अप एंगल ए एंड एंगल बी आई एम सपोज टू गेट 180 डिग्री. फाइन. सो हियर एज वी हैव डिस्कस्ड एंगल ए ओ बी विच एड अप टू 180 डिग्री आर मेड अप ऑफ टू एंगल्स. एक एंगल है यहाँ पर एंगल ए ओ सी और यहाँ पर एक और एंगल है डेट इज एंगल बी ओ सी. जब हम इन दोनों एंगल्स को ज्वाइन करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, एंगल 180 डिग्री का एंगल बनेगा. और वो एंगल जो मिलकर बनाते हैं एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन हम उनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल. अभी प्रीवियसली हमने इनके लिए एक और नाम पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा है सप्लीमेंट्री एंगल. दोज एंगल विच एड अप टू 180 डिग्री वी कॉल देम आइदर सप्लीमेंट्री एंगल और आइदर वी कॉल देम एडजेसेंट एंगल. Here. I hope it was very easy, not that hard. Let's move on to the example. So here is the example. It's on your book, page number 238. Page number 238. And I want you guys to open your books while watching the video, because I want you guys to note down all these questions discussed. जो भी बातें मैंने डिस्कस की हैं इस वीडियो में मुझे वो तमाम की चीज़ें नॉलेज चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे बात की है अबाउट, लेट्स सपोज इफ आई टॉक टू यू अबाउट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या सप्लीमेंट्री एंगल्स, आई वांट यू गाइस टू राइट अबाउट. आप एक हेडिंग डाल देंगे परपेंडिकुलर लाइन्स की, डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लिखने वाले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, यू विल राइट द डेफिनेशन अबाउट इट एंड यू विल ड्रॉ एनी वन ऑफ द टू डायग्राम्स. Then similarly we will do for supplementary angles as well. Supplementary angles जब heading डालेंगे और यहाँ पर सिर्फ starting line लिखेंगे that will be enough for us to know और कोई भी एक diagram draw करें. इसके बाद आपकी heading आएगी adjacent angles की और मुझे सिर्फ वहाँ पर एक diagram चाहिए. I just want a diagram for that. You can make either of the diagram or ये box copy करना. This box is of great importance. After that आपकी heading आएगी word example number वन. Word example number वन में कोई भी एक question आप part A या part B copy कर सकते हो, it's all up to you. And then you will do practice now number वन. This is the work for this week. Now let me continue with explaining the question to you. Given that A ओ बी, जब भी आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आए हमेशा आप अपने हैंड्स को मूव करेंगे रीड करते हुए. सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक आपके लिए स्ट्रेट लाइन. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको अननोन वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे ए ओ बी है. अब इस ए ओ बी के दो पार्ट्स हैं, दो एंगल्स हैं. एक ए ओ सी एंगल है और एक आपके पास है सी ओ बी. सी ओ बी की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 49 डिग्रीज, लेकिन आपके पास ए और सी की वैल्यू गिवन नहीं है. अब प्रॉब्लम इसकी बात है, मुझे ऑलरेडी बात मालूम है कि कोई भी एंगल जो बनता है स्ट्रेट लाइन पे वो कितना होता है, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर मैं आपको इसकी मिसाल दूँ कि लेट्स सपोज मेरे पास बॉक्स में 10 चॉकलेट्स थी. If I had 10 chocolates in a box, और let's suppose कि मैंने कहा कि भाई इस 10 chocolates में से 5 chocolates किसी ने खा लिए, तो मैं अगर आपसे पूछूँ कितनी chocolates मुझे रह गई हैं तो आप मुझे क्या बोलेंगे? Yes, definitely we say 5 chocolates are left out. Similarly, example दे रही कि एक straight line पे कितने degrees बनते हैं, 180 degrees बनते हैं. 49 degrees आपके पास है, बाकी degrees आपके पास नहीं है, तो आप कैसे find करेंगे? Yes, you know that a plus 49
अगर आप इन दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या बनने वाला है, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और याद रहे कि जब भी आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपके पास ब्रैकेट में एक जुमला आएगा एंगल, यहाँ तो शॉर्ट में लिखा, लेकिन आप लोग हमेशा प्रिफर करेंगे इस जुमले को राइट करते हुए एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन अप टू 180 डिग्री। हमेशा जब भी आप इस तरह के जुमले लिखेंगे, इस तरह के जुमले बना के लिखेंगे, यू हैव टू राइट दिस इन दी ब्रैकेट। सो हियर वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल 49 डिग्री एज दे आर बोथ ऑन द स्ट्रेट लाइन दे हैव टू एड अप टू 180 डिग्री एंड आई रिटन इट ऑन द इन द ब्रैकेट अ स्टेटमेंट अबाउट व्हाट आई एम डूइंग हियर, दैट इज एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन एड अप टू 180 डिग्री। देन if I want to find unknown value a, I have to put this 49 this side of the equation, it's plus there, yahan pe leke aayenge to minus ho jayega, so 180 minus 49 gives me 131 degree, that is a ki value kya hamare paas 131 degree। agar aapko check karna ho ki aapke paas answer sahi hai ya nahi hai to aap kya kar sakte hain, 131 ko add up kare 49 se, you will have to get 180 degree। सिमिलरली अगर आप नंबर टू क्वेश्चन देखें, वहाँ आपके पास यू गिवन थ्री एंगल्स, वन इज 57 डिग्री, देन वन इज अननोन एंगल दैट इज बी एंड द अदर वन इज 31 डिग्री। मुझे पता है कि ये तमाम तीनों के तीनों एंगल्स कितने डिग्रीज बनाएंगे, दे विल एड अप टू 180 डिग्री। नाउ देयर इज वन थिंग, दीज एंगल्स कैन बी एसोसिएटेड एंगल्स, सॉरी वी कैन कॉल देम एडजेसेंट एंगल्स, लेकिन ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। सप्लीमेंट्री के हमने अपने रूल पढ़ा था, वो रूल ये था कि वो दो एंगल्स अगर मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अगर हम पार्ट ए में देखें तो ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हैं और ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स भी कहलाए जाएंगे, लेकिन पार्ट डी में ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कहलाए जाएंगे बिकॉज वी हैव थ्री एंगल्स बट दे कैन बी कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। फाइन, सो यू हैव टू बी प्रीटी श्योर अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय एडजेसेंट एंगल्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स, यू कैन बी आस्क्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द क्लास। सो हियर अगेन वी नो दैट 57 प्लस बी प्लस 31 कैन गिव मी 180 डिग्री, सेम स्टेटमेंट हैज टू कम अप हियर एज वेल, angle on a straight line add up to 180 degree. If I want to find b there, so I have to bring 57 and 31, that's of the equation, yahan pe plus the, ye agar yahan pe le jayenge to kya ho jayega, minus ho jayega, after subtracting I got my answer as 92 degrees, so here b is equals to 92 degrees. So I hope it's clear to everybody. Practice now, number 1 is your homework. So practice on number 1, both the questions in homework, part 1, number 1 question, number 2 question is your homework. Exercise number 10, you have to do question number 2, all the questions. Question number 3, you have to do all the questions. And question number 4, you're doing all the questions. So yeah, aapko homework hai for the week and I hope everyone is going to complete it. And you have to send me the homework after doing it. I have recorded the videos again for those who had problems in hearing the videos, technical issues hai and I understand ki problems aa sakti hai video listening mein ya awaaz sahi nahi aa sakti hai, so I have recorded everything again and I hope everything is clear to you. Please make sure you guys are watching the videos and you're completing your syllabus, you're doing all the homeworks given to you. If you have not done it, kindly do it, complete it and send me so that I can check your answers. I hope everything was clear to you. If anybody has doubt, kindly let me know and I should clarify. So take care. Allah Hafiz.